की है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम। गंगापुर का गंगाराम, यही जोगेश्वरी है का? हाँ भैया यही जोगेश्वरी, मगर जाना कहाँ है? वो हमारे गांव के एक है रामलन भैया, उनके यहाँ जाना है। तो फिल्म में हीरो बनने आए हैं और जब तक काम नहीं मिलेगा हमारे माथे पर रहिएगा? नहीं घर में। अरे गुरुजी कहाँ समझते हैं, हम को धर्मशाला खोले बैठे हैं, हैं? कि जो भी आएगा उसको एक तो कमरा दे देंगे, अरे अपन को यहाँ पूरा नहीं पड़ता तो दूसरा कहाँ रखेंगे? बात तो रखनी होगी, रिश्तेदारी का मामला है। अब ऐसा नहीं गाँव वापस भेज दीजिएगा तो फजीयत होगा। अरे वाह, फिल्म में काम करने आया है गांव की नौटंकी का नंबर वन हीरो, याहू! नहीं भाई हम झूठ काहे बोलेंगे, हम भगवान की कसम खा कहते हैं, जो बात साबित कर दे कि हम एक दिन भी स्कूल गए थे हम उसको 100 रुपए इनाम में दे देंगे। तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है, हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत आजमाएंगे, आज से तुम हमारे दोस्त और साथी। सुभाष घई क्या? अरे इसके गाँव में नौटंकी देख के एकदम फ्लैट हो गया, बोला मुंबई आ जाओ मेरी फिल्म में काम करो, मेरे गाँव का है ना इसलिए डायरेक्ट अपने पास आ गया। तबाए तो झूले लाल की कृपा हो जाए तो साड़ा बेड़ा पार। अरे चाय आया यार, शुक्रिया मेहरबानी यार तेरा, ठहरो ठहरो पैसा ले जाओ। भाई दस पैसा बाद में ले जाना, मेहरबानी यार तेरा, बड़ी मेहरबानी। हेलो। आप पुंजानी साहब हैं? अरे पुंजानी के ऑफिस में पुंजानी बैठेगा के मच्छरदानी बैठेगा, बोलो क्या बात है? वो हमको पन्नालाल जी ने भेजा है, जर्नलिस्ट। पन्नालाल जर्नलिस्ट? अरे यार वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, दाडा सिड्डो यार, यार कैसा है वो, अच्छा तो है ना? बैठो बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। अरे अरे तुम मत बैठना, कुर्सी टूटी हुई है यार, गिर जाएगा। बैठो यार बैठो। हम आपको फोन लगा ही रहे थे लेकिन वो... लेकिन इस टेलीफोन का क्या बताऊं, क्या हुआ मेरे साथ में, पैसा भरो तो भी नहीं चलता, नहीं भरो तो भी नहीं चलता। मैंने बोला काय को बिल भरने का यार, हम फिल्म में काम करने के लिए आए हैं, हमारा नाम गंगाराम है। गंगाराम? हाँ। मंगाराम का भाई गंगाराम? ता सिंधी है साईं? नहीं हम बिहारी हैं। बिहार? अच्छा मुलुक है यार, डड्डो सूठो मुलुक है, डड्डो सूठो मुलुक। पहले कौन कौन सी फिल्म में काम किया है? अभी तक तो फिल्म में काम नहीं मिला है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हाँ। पन्नालाल जी ने कहा आप इनकी मदद कर सकते हैं। पन्नालाल जी ने कहा? मदद? आज से 5 साल पहले साई तुम किधर था? आज से 5 साल पहले मैं प्रोड्यूसर बना था, नए कलाकारों को चांस भी दिया, तुमको भी चांस देता था। इसके पहले तुम क्या करता था? हम गांव की नौटंकी में काम करते थे। नौटंकी में काम करते थे? हाँ जी। अरे अगर पहले मिल जाते तो इस कहानी में नौटंकी का अलग एक सिचुएशन डाल देते। पुंजानी साहब अभी आप जो फिल्म बना रहे हैं उसमें गंगाराम के लिए कोई रोल निकालिए ना, छोटा मोटा रोल हो तो मेरे लिए भी। अभी तो एकदम शुरुआत है, हमको शुरू ही से रख लीजिए ना, हम अपनी एक्टिंग से आपको एकदम खुश कर देंगे। हाँ, हाँ। और कौन कौन आर्टिस्ट है? अरे किस किस को लूँ, रोज आ जाते हैं, समझ में नहीं आता किस को लूँ किस को ना लूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अच्छा अच्छा आप एक काम कीजिए ना, आप इनको ले लीजिए, ऐसा आर्टिस्ट आपको दूसरा नहीं मिलेगा, कभी से शुरू करने वाले हैं। फाइनेंस मिलते ही शुरू कर दूंगा, तुम थोड़ा सा फाइनेंस का बंदोबस्त कर दो, एक बार फिल्म का मुहूर्त हो जाए, पेपर में पब्लिसिटी आ जाए तो फाइनेंसर दौड़े दौड़े अपने ऑफिस तक आ जाएंगे, समझे मुझे गलबुदिया? इस सब में कितना पैसा लग जाएगा? अरे कितने भी लगेंगे हम कहाँ से लाएंगे? अरे मुझे गलबुदो, रोल चाहिए तो फाइनेंस तो लगाना ही पड़ेगा, आज 1000 लगाओगे कल लाखों पाओगे, वैसे भी मेरे पास बहुत से ग्राहक लाइन में खड़ा है। पुंजानी साहब हम लोग आपके ग्राहक नहीं बन सकते, आप किसी और को देख लीजिए, चलो चलो। अरे किदा लिदा, अरे मुझे गलबुदो, अरे भाई अरे अच्छा हली गयो यार हली गयो, ये भी ग्राहक हली गयो, क्या करूं मैं। ये भी वही निकला, सारा नाटक मुर्गा फंसाने के लिए था। तब का फिल्म में काम करने के लिए पैसा भी दिया जाता है? अरे नहीं दोस्त, ये टटपुंजा प्रोड्यूसर था, वो पन्नालाल जी ने नहीं कहा था कि ये फिल्म में पैसा डुबा कर बैठा है, अब दूसरों की डुबाने में लगा हुआ है। कोशिश तो बहुत किए दोस्त, अब क्या करिएगा, रास्ता ही नहीं मिल रहा है।
अरे मिलेगा दोस्त, हम दिलवाएंगे। अभी तो कोशिश की शुरुआत है, कुछ तो फिल्मी जानकारी मिल गई, आगे और मिलेगी। तब कहाँ जाया जाए? जाएंगे किसी और के पास, टक्कर तो मारना ही पड़ेगा। चलो उठो, बैठने से काम नहीं चलेगा, कभी न कभी इस किले की दीवार तोड़ेंगे और अंदर घुसेंगे। चलो, हाँ। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को, और फिर से जोल लगाई और जीतिए अपने काम को। हाँ। चलो मुन्ना भाई के पास चलो। गंगा के तीरे तीरे बापू चले धीरे धीरे। नमस्ते मुन्ना भाई। राम प्यारे ना। हाँ। आह बैठ, बहुत दिनों के बाद देखा, ये कौन है? बैठ बैठ बैठ। ये मेरे मौसेरे भाई गंगाराम, गांव से आए हैं। वाह, राम प्यारे, गंगाराम, दोनों तरफ राम, बीच में प्यारी गंगा। अच्छा ये बता, आज मुन्ना भाई कैसे याद आया? वो क्या है मुन्ना भाई, कभी कभी आना मांगता है, जास्ती दिनों के बाद देखेगा तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं याद आएगी, है ना? हाँ वो तो ठीक है पर। अच्छा अभी क्या कर रहा है तू? पढ़ाई चालू है ना? कौन सी क्लास में है? मैं तो अब वो बस... हाँ एक दिन तेरा बाप मिला था, कह रहा था कोई परीक्षा वरीक्षा दिया है, पास पास हुआ कि नहीं? नहीं मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हम इसी सब झंझट से कभी स्कूल गए ही नहीं। अच्छा ये बता कैसे फेल हो गया? फेल नहीं हुआ है मुन्ना भाई, इम्तिहान दिया है, नतीजा नहीं आया है। अरे तो ऐसा बोलने का ना। अच्छा ये भाई साहब जब से आए हैं कुछ बोला नहीं। आप ही बोल रहे थे तो ये क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं तहजीब, गांव से आया है ना, इसीलिए तहजीब मालूम है। इधर बम्बई के लोग कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी बोलता रहता है, तहजीब तो मालूम ही नहीं। अच्छा बोल क्या बात? वो आपसे एक काम था। बोल बोल, बोल के तो देख, चुटकी बजा के करेगा। आपको फिल्म के बारे में मालूमात है ना? बहुत मालूम है फिल्म के बारे में, बोल क्या मालूम करने का? वो हमें एक बात बताइए, ये फिल्म में काम कैसे मिलता है? क्या काम? यहाँ झाड़ू वाले से लेकर के डायरेक्टर तक बहुत काम है। बोलो क्या काम चाहिए? एक्टर बनना है। एक्टर? शायद कुछ गलत सुन लिया। नहीं नहीं ठीक ही सुना है, भाई साहब को एक्टर ही बनना है। देखो भैया, फिल्म में चार किस्म की एक्टिंग होती है। पहला होता है हीरो, नायक, तुम हीरो बन नहीं सकते। उधर नौटंकी के तो हम हीरो ही हैं, सुल्ताना डाकू। ओहो वो गांव की नौटंकी छोड़ो, ये सिनेमा है, सिनेमा, सिनेमा स्कोप में बनता है, समझे? खैर दूसरा काम है विलन, खलनायक, वो तुम बन नहीं सकते, तुम्हारा साइज है चिंटू। विलन का साइज मालूम है? अमरीश पुरी, 6 फीट। तीसरा है कॉमेडियन, हंसाने वाला, अरे तो हम बचपन से ही। चौथा है एक्स्ट्रा एक्टर, झाड़ूदार, जमादार, हवलदार, सिपेसालार। अरे हम तो, हम भी हीरो बनने आए थे, 10 साल हो गया हमें, तीसरे दर्जे में ही लटक रहे हैं, लेकिन हमें तजुर्बा बहुत है। मेरी जान पहचान का एक एक्टिंग स्कूल है, घबराओ मत, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। मिलेगा? जरूर मिलेगा, चलो एक्टिंग स्कूल में भर्ती हो जाओ, वहाँ से बहुत स्टार निकले हैं। फीस? नहीं नहीं मुन्ना भाई, ये तो मंझे हुए कलाकार हैं, नौटंकी का बादशाह। अरे हम तो कितने लोगों को एक्टिंग सिखा दिए, कहीं तो आपको भी सिखा दे। क्या? एक बात बताइए तो, आप कौन सा एक्टिंग स्कूल में पढ़े? जब हम मुंबई आए तो एक्टिंग स्कूल उल कुछ भी नहीं था, ये तो सब बाद में खुला है। अरे तो बाद में भर्ती होना था। अरे तब तक तो अपन सब सीख गया था, काय को भर्ती होने का, और उधर भर्ती होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, अपन साला ठहरे अंगूठा चाप। अंगूठा? चलो यार, चलो ले आए, चले आए एक्टर बनने। गंगा के तीरे तीरे। वाह। अरे दोस्त तुमने तो उसका कचरा कर दिया, वो तो अपने आप को दिलीप कुमार समझता है। कह रहा था 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भी 10 साल लग जाएंगे, कि हम भी अंगूठा छापे? नहीं दोस्त, मुन्ना भाई नौटंकी के बादशाह थोड़े ही है, चलो पान खा के तबीयत हरी करते हैं। ऐसा करते 2 चाटो खा ले तो हमेशा की लहरें भरे हो जाते हैं। पंडित जी 2 पान लगाइए। आप ये लगाए क्या बाबू? हाँ पान खाओगे ना? अरे काहे नहीं। हाय प्यारे, अरे अपुन के गैरेज पे एक पहचान वाला आया था, वो भी वही पे काम करता है, सुभाष घई के यहाँ। क्या किधर? उसको हम गंगाराम का नाम बताया, पर उसको तो फिल्म डिपार्टमेंट का कुछ मालूम ही नहीं, वो तो वीडियो में काम करता है। वैसे इन साहब का सुभाष घई के यहाँ शूटिंग कब से है? अभी टाइम है, जब होगा ना बताएंगे। अच्छा चलो चलो, कहाँ जाएंगे? चलो। अरे भाई ये 5 तो लेके जाओ। कहे ये फिल्म शूटिंग की कब बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक करता रहता है।
अब कहाँ चला जाए? कहीं भी, लेकिन दूसरे मुन्ना भाई के पास नहीं जाना। एक काम करते हैं, मैं अपने गुरु के पास ले चलता हूँ, उसकी राय लेते हैं। गुरु? कौन गुरु? साधना दीदी। चलो इधर। तो आप नौटंकी के बादशाह हैं, इसीलिए फिल्मों में हीरो बनने आए हैं। देखिए कहा है कि एकदम हीरो तो हम बन नहीं सकते, लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा हीरो। दीदी साइड रोल भी चलेगा। ये क्या होता जी? छोटा मोटा रोल, मैं हूँ ना, बता दूंगा। ऐसा है कि एक बार सुराग होना चाहिए, फिर देखिए हम रास्ता खुद ब खुद निकाल लेंगे। शाबाश, तो आपका हौसला बुलंद है। अगर इरादा पक्का हो और कोशिश पूरी हो तो काम जरूर मिलेगा। अरे कोशिश करने में तो हम कौनो कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। कोशिश नहीं, कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, ऐसा बोलो। मिलन नहीं देखिए क्या? लो तुम तो अभी से पढ़ाने लगे। दीदी फिल्मों में काम करना है तो सही बोलना तो सीखना ही पड़ेगा ना। अब साधना जी ऐसा है कि गांव में जैसे चलती थी वैसे निभ जाती थी, यहाँ आकर पता लगा ना कि नदी नदी है, समंदर समंदर। अब आप लोग जैसा रास्ता बताएंगे वैसे रास्ते पे चल देंगे। आपका बोलने का ये खास अंदाज भी बड़ा अच्छा है, इसमें अपनी मिट्टी की सुगंध आती है। जितना कांधा अपना मजबूत बनाएंगे उतना ही ज्यादा वजन उठा पाएंगे। काहे नहीं, डट के मेहनत करेंगे। सिर्फ मेहनत ही नहीं, मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनत के साथ साथ थोड़ी अकल की भी जरूरत पड़ती है, तभी जिंदगी में तरक्की मिलती है। और तरक्की के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पढ़ाई लिखाई हर दिन हर कदम पे काम आती है। और आपने तो असली सामान जुटाया ही नहीं और निकल पड़े लंबे सफर पे। अरे आ गई जमुना, चल जल्दी से जरा चाय बना के लिया। तो खैर छोड़ो, जो हुआ से हुआ, आगे क्या सोच रहे हो? आगे हम क्या सोचेंगे, आप ही बताइए। गंगाराम, राम प्यारे आपके गांव वाले हैं और राम प्यारा मेरा मुंह बोला भाई है, इसीलिए आप भी हमारे अपने हुए। खैर, चूंकि राम प्यारे ने आपकी मुश्किलें हल करने का बीड़ा उठाया है तो हम जरूर राम प्यारे के साथ हैं। देखा दोस्त, इसीलिए साधना दीदी को मैं गुरु मानता हूँ, अब दीदी भी तुम्हारे साथ है। अरे इसका मतलब एक से भले दो, दो से भले चार, हमारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गया। राम मिलन भैया तो हमको उल्टा सीधा कहकर डुबो ही दिए थे, ये तो तुमने हमको उभार लिया। गलत सोच रहे हैं आप, यहाँ लाकर और फंसा दिया, आपकी मुसीबत बढ़ा दी। क्या कह रहे हैं? इसने बताया कि नहीं कि मैं स्कूल में मास्टर नहीं हूँ और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उन्हें मुर्गा भी बनाती हूँ या तो बेंच पर खड़ा कर देती हूँ। खैर छोड़ो, आज ये जिस बड़े बच्चे का नाम दर्ज कराने आया है, एक तो उसे पढ़ाई करनी ही करनी है और अगर जरा भी लापरवाही की तो उसे भी सजा मिलेगी। बोलो मंजूर है? मंजूर, सब कुछ मंजूर, जो आप कहेंगे सब मंजूर है। दीदी गंगाराम क्या इस उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? अरे भाई जहाँ जागे वहीं सवेरा, उम्र की बंदिश तो सरकारी नौकरी में होती है, पढ़ाई शुरू करने के लिए नहीं। कालिदास ने भी बड़ी उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और महाकवि कालिदास बन गए थे। अरे तब तुम तैयार हैं। हाँ। लेकिन ये तो नहीं सोच रहे कि मास्टर ने पीछे ही पड़ गए? वो कैसे सोचेंगे, जब आप हमारे भलाई का सोच रहे हैं तब हम आपके बारे में से कैसे सोचेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि एक बार जो चीज हम सोच लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। शाबाश। हाँ। तब तो बम्बई जिस काम से आए हो वो जरूर पूरा होगा। दोस्त तुम अपनी मंजिल पाने की जंग शुरू करो, तुम्हारे लिए मैं अपने बाप से भी लड़ लूंगा। ये देख लो चाय आ गई। आज बड़ी जल्दी निकल गए दोनों। हाँ गए होंगे घूमने फिरने। भाई टीवी या फिल्म का असर तो आज गांव-गांव में हो गया है। हाँ। पहले तो आदमी रोजी रोटी की मजबूरी में गांव छोड़ते थे हैं? हाँ। लेकिन आजकल, अरे आजकल देखो तो फिल्म में हीरो बनने के लिए भाग के आ जाते हैं। हाँ अरे तो ये भी तो एक जरिया है ना पैसे कमाने का, जिसको जौन काम करना चाहे काम करे। अरे पहले खुद को देखना चाहिए कि नहीं, अरे आदमी जिस लायक होगा वही ना काम मिलेगा उसको। कहाँ गांव की नौटंकी और कहाँ फिल्म, अरे गधा का घोड़ा का काम मिल सकता है का? अब ये सब हम नहीं जानते। हाँ अब आप तो खुद फिल्म देखते नहीं है ना ही हमको दिखाते, तो हम क्या जाने फिल्म में गधा काम करता है या घोड़ा। अब बुढ़ौती काल में फिल्म देख के कहाँ करोगी, तक जवानी में दिखाए थे। आप तो बस नीरस जीव हैं। अब आपको बुढ़ाऊ बनने का शौक है तो भले ही बनिए,
हमको बुढ़िया मत बोलिए, हमरे बाल अभी तक पके नहीं है। हाँ। जब बिटवा जवान हो जाते ना तो महतारी तो अपने आप बुढ़िया हो जाती। नहीं होगी जी, जब बेटा बहू लेके आएगा ना तब भले ही बोलिएगा बुढ़िया। अरे अपने बिटवा को समझाओ कि कोनो ढंग का लाइन पकड़े और कमाना शुरू करे, तभी ना लुगाई लाएगा कि बापे के कमाई में उसको भी खिलाएगा। अब सब काम अपने समय पर ही ना होंगे, पढ़ाई तो कर ही रहा है, कोई ना कोई लाइन पकड़ ही लेगा। अरे हमका तो डर लागत है कि गंगा राम के संगत में कहीं एकरे दिमाग में फिल्म ना घुस जाए। बस बेकार का बात सोच के खुद के दिमाग को काहे को खराब करते हो जी, अब दो चार दिन में पढ़ लेना ही ना होगा। अरे ये तो हम भी समझत हैं, लेकिन जवान लड़का लोगन के जितनी जल्दी फिल्म जा असर करता है ना, उतना जिंदगी भर का पढ़ाई असर नहीं करता। अरे तो लड़का सयाना हो गया, इसका मतलब ये तो ना है ना कि उसे गाय बकरी की तरह रस्सी से खींच के बांध के रखे। अब घूमने दीजिए ना जहाँ का मन करे। एकरे मतलब उसको बेलगाम छोड़ दे। एकरे खातिर लड़का लोग महतारी के दुलार में बिगड़ जाते हैं। अरे एक उम्र के बाद बच्चा लोगों पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है रखिए नजर, पर एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, गंगा भैया की संगत में वो दो चार बातें अच्छी ही सीखेगा, बिगड़ेगा नहीं। और ओके सामने इसे बातें मत कीजिएगा, आपके दिमाग का कौनो भरोसा ना। भले ही तुम अपने गंगाराम की बहुत तारीफ करो, पर हम उसके पगलापन को नहीं मानेंगे, ना ही अपनी बिटवा को पगलाए देंगे। जाओ दिमाग ना चाटो। यही कहा था ना? हाँ हाँ चलो। ए किसको मिलना है? वो अंदर जाने भाई। अरे पर किसको मिलना है? वो प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर तो बहुत है, नाम क्या है? नाम तो अरे जल्दी बोलो, मेरा टाइम खोटी मत करो, किसको मिलना है जल्दी बोलो। अरे इनकी तो ओए, हमको उल्लू बनाता है, प्रोड्यूसर को मिलना है। अरे भाई गंगापुर से आए, हमारा नाम गंगा राम है, प्रोड्यूसर से मिलना है, जाने दीजिए। अरे चलो बार, बहुत है तुम्हारे जैसे प्रोड्यूसर से मिलने वाले, चलो बार, चलो चलो, बड़े आए पिक्चर में काम करने वाले, चलो बार। ये तो घुसने नहीं देगा यार। अरे कब तक अंदर घुसने नहीं देगा, एक दिन हम भी गाड़ियों में बैठकर उसी तरह अंदर जाएंगे और ये सैल्यूट मारेगा, देखना। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, शूटिंग देखना है क्या? अपन दरबान को बोलेगा, वो तुमको अंदर जाने देगा क्या? हाँ, तुम कौन? अरे तुम आम का हो ना, पेड़ का को गिनता है, अंदर जाने का है ना? हाँ, जाना है। निकालो 50 रुपए, अंदर जाके घूमने का, बड़ा खुला स्टूडियो है, पर आराम से। हाँ, ये लो। सोचने का नहीं तुमको, हमने कंसेशन दिया है, अपना रेट 75 रुपया है, करो। चलो भाई जाओ, पर आधा घंटे से जस्ती नहीं ठहरने का, एक बाजू में खड़े होके देखने का, और सुनो देखने के बाद वापस जल्दी आने का। ठीक है चलो। चल आधा माल ढीला कर जल्दी। मुझे क्षमा करो, मैं इस जमाने में पैदा होने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का खंडर मात्र हूँ, धिक्कार है मुझ पर। सॉरी सॉरी सर, वन मोर सर, एक बार। टेक टू, कैमरा ऊपर लो। साउंड ऐसा होता है फिल्म का शूटिंग? अरे चुपचाप देखो। कलाकार कौन है? हम कभी देखे नहीं है। मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, कितना बड़ा कैमरा है, बड़ा बड़ा फोटो आता होगा, तभी ना पर्दा भी इतना बड़ा दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है, फोटो छोटा आता है, उसे बड़ा बना के दिखाते हैं। कैसा बड़ा चमत्कार हो, हम तो जिंदगी में पहली बार देखे। हम भी दोस्त, देखना एक दिन हम भी कैमरा के सामने आ जाएंगे। तो कहा यहाँ तक तो पहुँच ही गए, एक दिन कैमरे के सामने ही पहुँच जाएंगे। ए, चलो हटो यहाँ से, ये सब फ्रेम है, चलो यहाँ से हटो, चलो चलो। ये फ्रेम कहाँ है जी? अरे जहाँ का फोटो आता है उसी को फ्रेम कहते होंगे, एक ही दिन में सब कुछ कैसे समझोगे, चुपचाप देखो। एक ही बात को कहाँ बार बार दोहरा रहा है? अरे जब तक ठीक नहीं होता है तब तक बार बार बोलना पड़ता है। ससुर हमको तो एक ही बार बताओ तो हम फट से बोल देंगे। 50 रुपए का टाइम खलास, भाई लोग शूटिंग देख लिया, अब लंच ब्रेक हो गया, चलिए चलो। अरे यार तुमको तो हम, अरे आओ प्यारे भैया आओ, कहाँ घुमा लाए इनको,
शूटिंग दिखाने ले गए थे। शूटिंग दिखाने? अरे बंबई में भैया जो पहली बार आवा था ना, ओका शूटिंग देखने की बड़ी शौक होता है। कौन सी फिल्म की शूटिंग दिखाए इनको? ले, नाम पूछना तो भूल ही गए। अरे भैया जाने तो कौनो बात नहीं, हीरो हीरोइन तो देख लियो ना, अब समझ लो तुम्हारा बंबई आना स्वागत होगा। हमको भी भैया बहुत लोग कहते हैं चलो पंडित जी फिल्म की शूटिंग दिखाओ, लेकिन क्या करें ये पान की दुकान से फुर्सत नहीं मिले था। तुम किसी फिल्म वाले को जानते हो क्या? अरे हाँ भैया जानी छा, वो अपना मुन्ना भाई, लेकिन भैया सुनो उसकी बात का कोनो भरोसा नहीं, बहुत डींग मारा से ससुरा। अरे मुन्ना को जाने दीजिए, किसी और को जानते हैं? हाँ भैया घूमते घामते लोग पान पट्टी पे चले आते हैं, लेकिन भैया हम कोई बड़े आदमी को नहीं जानते हैं। लागत है फिल्म की शूटिंग देखने के बड़ी शौक है आपको। ये गाँव से फिल्म में काम करने के लिए आए हैं, गाँव में नौटंकी का नंबर वन हीरो। अरे वाह अरे भैया वाह, तुम तो हमारा बचपन याद करवा दिए। अरे हम गाँव में नौटंकी रात रात भर देखा करते थे। अच्छा हाँ, कहूँ कहाँ मिला कि नहीं? अरे नहीं अभी तो कोशिश चल रहा है। अरे भैया कोशिश वोशिश से काम मिलने वाला नहीं है, यहाँ पौआ चाहिए पौआ। ये पौआ कहाँ होता है जी? अरे बम्बैया जबान है, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पैर भी करो, खाली हाथ समुद्र में डालने से मोती नहीं मिलने वाला है बाबू जी। हाँ दिन भर क्या किया, जरूर यूं ही भटकते रहे होगे। हाँ दीदी कितनी जगह गए किसी ने भी घास नहीं डाली, ये फिल्म वाले भी अजीब लोग हैं। अरे बेवकूफ, जो तुम्हारे लिए अनजान है वो क्यों घास डालने लगा? तुम्हारा तरीका ही गलत है, कोई भी काम प्लान करके करना चाहिए। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। बताती हूँ, कहाँ कहाँ गए थे? मुन्ना भाई से शुरू किया था दीदी। हारा हुआ सिपाही दूसरे को क्या लड़ना सिखाएगा, क्या बोला मुन्ना? बताओ ना दोस्त क्या बोला वो कामचोर मुन्ना? जिसके पास काम ही नहीं है वो कामचोर कैसे होगा। खैर छोड़ो उसको, अपने काम की बात करो। गंगाराम एक बात ईमानदारी से बताइए, आप फिल्म में काम करना चाहते हैं और मैं कहती हूँ आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आप ही बताइए दोनों में से पहले कौन सा करेंगे? दोनों है ना दोस्त? तू चुप रह प्यारे, उनको बोलने दे। साधना जी का सवाल तो बहुत कठिन है लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसका इंतजार किया जा सकता है? दरअसल समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए हमें भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप दोनों काम आगे पीछे शुरू कर सकते हैं। दोस्त अच्छी सलाह है, फिल्म के लिए कोशिश जारी रहेगी और उसी में से कुछ समय निकालकर पढ़ाई भी करनी है। जी नहीं, पढ़ाई से ही कुछ समय निकालकर फिल्म के लिए कोशिश जारी रखनी है। पहले नींव या पहले इमारत? पहले नींव। देखिए साधना जी, माता सरस्वती ने हमको आपके पास भेजा है, हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। ओह दीदी तुम महान हो, दोस्त तुम्हारा काम बन गया, लेकिन दीदी एक समस्या है। अब क्या समस्या है? ये सब लंबा चक्कर है, बहुत टाइम लगेगा और मेरे बाबूजी का ब्लड प्रेशर तो अभी से चढ़ा हुआ है। अरे तो हमको आज ही घर से भगाए दे रहे थे, कह रहे थे अपना टिकट काटिए और गाँव वापस जाइए, हमको ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे वो यहाँ पर। जितने दिन रहने दे रहो, जिस दिन निकलने को कहे शाम से निकल जाना और सीधे यहाँ चले आना, सब बंदोबस्त हो जाएगा। सब दीदी आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं, पास वाले फ्लैट की चाबी है हमारे पास, वो लोग 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, वहाँ तुम लोग रह लेना और उसके बाद भी कोई जरूरत पड़ेगी तो कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अरे आप जैसी बहन हमको मिल गई तो हमने तो भाग ही खुल गए, अब जो काम हम करने आए हैं वो हम करके ही छोड़ेंगे। हम कह रहे थे ना कि वो नौटंकी बाज के संगत करने से रोको उसको, वो भी लफंगा हो गया ओखरे साथ। अरे तो आप ही ना कहे थे कि बंबई घुमा लाओ, अब गया है घूमने? अरे आदमी दिन में घूमता है कि रात में? बंबई एक दिन में आदमी थोड़े ही घूम सकता है। अरे तो घबराते कहां हैं, बाकी का कल घूमेंगे। ये इतना देर कहां लग गया? अरे गेटवे, हैंगिंग गार्डन, जुहू चौपाटी सब घुमा दिए, गांव में जाके सबको बताएंगे। क्यों? अब नहीं तो क्या बताएंगे ना कि प्यारे भैया को पूरा बंबई घुमा दिए हैं। ठीक है बाकी का भी घूम लेना। अरे यहाँ आए हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना। समंदर का लहर बहुत बड़का बड़का था भाई। नहाने गए थे का? नहीं नहीं दूर से देख रहे थे। अरे तो साबुन नहीं था, नहीं तो हम कपड़े उतार लिए तो फौरन घुस जाते समंदर। देखो गंगारा, समंदर देखने की चीज है, नहाने की नहीं है। हम तुम्हें टिकट के लिए बोल दिए हैं, वापस नहीं जाना है का? अरे आप हमको भगाने की काहे सोचते रहते हैं भाई, आपको कौन काम? काहे नहीं सोचे, अभी तक के तुम्हारे दिमाग से फिल्म का भूत नहीं उतरा है का? अरे उतर जाएगा तो आदमी बन जाओगे, हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। अरे वो भूत नहीं भगवान है, वो नहीं उतरेंगे जब तक हमको 2-4 फिल्म नहीं मिल जाएगा। हम जा रहे हैं,
अब जल्दी आना, हम सब खाना लेकर बैठे रहेंगे। ठीक है, हाँ भूख लगी, चलो। बाप रे बाप, आते ही बोमा बम शुरू। लेकिन हमारा चाल भी काम कर गया है। पर एक बात बताओ कि जो हम झूठ बोले उसका पाप तो नहीं लगे ना यहाँ? अरे दोस्त, जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो और सिर्फ फायदा हो उसका पाप नहीं लगता। तब ठीक है भाई, हम तो डर गए थे। काहे, तुम दोनों कहाँ बतिया रहे थे? अरे अम्मा, बाबूजी के समझ में नहीं आया तो तुम क्या समझोगी? भौजी एक बात बताइए, आप कौन से दल में हैं? राममिलन भैया के दल में या हमारे दल में? अब तक तो तुमने ही दल में हूँ, अब बताओ क्या बात है? अम्मा, बाबूजी का गुस्सा ठंडा करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल गए। वो तो हम समझ गए बेटा, हो सकता है तुम्हारे बाबूजी भी समझ गए हो पर जाहिर नहीं किए वो। अरे बाप रे, तब तो हम लोग का खैर नहीं है, तभी ना हमारा टिकट कटवा रहे थे। अब तुम लोग उनको काहे को इतना बुरा समझते हो है? अब फिकर करते हैं इसलिए ना गुस्सा होते हैं ना, अब गुस्सा होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनका। भौजी, हम लोग सचमुच बेअकल हैं, जो अपना ही सोचते रहते हैं और किसी का नहीं सोचते। लेकिन एक बात बताइए, जब राममिलन भैया हमारा इतना ही फिकर करते हैं तो हमको गांव भिजवाने के लिए काहे सोचते रहते हैं? वो सिर्फ इसलिए तुम फिल्म में काम करने आए हो, फिर भी बाबूजी को इतना कड़क होकर नहीं बोलना चाहिए था। बाप की शिकायत करता है हाँ? गंगा भैया, वो सिर्फ जुबान के कड़क है, दिल के बहुत अच्छे हैं वो, उनकी बातों का बुरा मत मानना भैया। अरे नहीं भौजी, हम किसी की कोई बात का बुरा नहीं मानते, आप बेफिक्र रहिए। गंगापुर का गंगा राम, गंगापुर का गंगा राम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम। गंगापुर